नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं बजट से एक्सपेक्टेशंस कमोडिटीज में। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कॉटन की। दरअसल पिछले एक साल में या फिर अगर हम पिछले एक फरवरी से अब तक कंपेयर करें तो कॉटन ने 72% के रिटर्न दिए हैं, यानी निवेशकों की कॉटन ने चांदी करवाई है। लेकिन इंडस्ट्री परेशान है, क्या है कारण और इस बार बजट से कॉटन इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय भी बने हुए हैं हमारे साथ। और आगे शो में हम एग्री कमोडिटीज पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले कॉटन की बात कर लेते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कॉटन जो कमोडिटीज में तेजी का ट्रेंड हमने पिछले एक साल में शुरू होते हुए देखा था वो कॉटन से शुरू हुआ था और एक स्टेलर परफॉर्मेंस इस कमोडिटी की रही थी। लेकिन अब एक चीज़ और है जो फिलहाल इम्पैक्ट डाल रही है कॉटन पर, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट एक तरफ तो जो ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप ग्लोबल कॉटन मार्केट देखेंगे तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हमने कंजम्पशन एस्टिमेट्स में स्पेशली 2023-2024 सीजन में देखी है। इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्की, ये कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं जहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला है और इसके कारण ओवरऑल डिक्रीज हमने देखा है कॉटन में। वर्ल्ड वाइड देखें तो हायर प्रोडक्शन रहने के बावजूद भी हमने कॉटन क्रॉप्स में इंक्रीज आते हुए देखा, स्पेशली चाइना अर्जेंटीना में कंजम्पशन दूसरी तरफ लोअर साइड पर रहा है। डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो अपने एस्टिमेट्स थे डोमेस्टिक कॉटन कंजम्पशन के एट 311 लाख बेल्ट्स के, वो मेंटेन किए हैं 2023-2024 सीजन के। लेकिन अब सवाल यही है कि जो ओवर सप्लाई है कॉटन की, क्या ये आगे जाते हुए एंड करेगी, क्या आउटलुक यहाँ से इंडस्ट्री का नज़र आ रहा है, किसानों की क्या कंडीशन है और गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है स्पेशली किसानों के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो उसी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, पहले तो यही बताइए कि फिलहाल हालात कैसे हैं। दीपाली जी, देखिए हालात इस साल ऐसे है कि किसान बहुत डिप्रेस है, क्योंकि किसान को इस साल ना तो कॉटन में यील्ड मिला और ना तो कॉटन का भाव मिला, तो किसान को दो तरफ से नुकसान है। यील्ड कम होने से उसका प्रोडक्शन कम हुआ है और रेट जो है कॉटन के वो एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, तो दुगना लॉस है किसान को। तो किसान की स्थिति अच्छा नहीं है ऐसा आज कह सकते हैं। और इंडस्ट्री के लिए ये दो महीने से जब से रेट कॉटन के रेट 55,000 के आजू बाजू आए और लास्ट दो महीने से वही रेट मेंटेन हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा पीरियड आया है और इंडस्ट्री को थोड़ा अभी प्रॉफिट भी है और मिले जो है वो 100% कैपेसिटी पे चल रही है। पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मिल्स 100% कैपेसिटी पे चल रही है और साउथ में 80% कैपेसिटी पे मिल्स चल रही है, तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है समय है, मगर फार्मर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। जी दीपाली जी, बिल्कुल अतुल जी, इनफैक्ट हमने पास्ट में देखा भी है डिमांड होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज की तरफ से, मिलर्स की तरफ से डिमांड कम रही थी हायर प्राइसेस की वजह से। अब हमने वो डिमांड आते हुए देखी है और आप ही ने हमारे शो पर काफ़ी बार बताया था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घटा है और आज आप ही बता रहे हैं कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूछूं बजट को लेकर, उससे पहले एक चीज़ और, आपके हिसाब से वो वायबल रेट क्या हो सकता है जहां पर किसानों को भी नुकसान ना हो, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी डिमांड बनी रहे, क्या वो वाकई में पॉसिबल है कि दोनों पैरामीटर्स पर बैलेंस बना रहे, फिर चाहे वो एक तरफ किसान हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज हो? नहीं, ये बड़ा टफ है। अगर फार्मर को खुश रखना है तो प्राइस बढ़ाना है, प्राइस बढ़ाना है तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या है कि कॉटन के दाम तो वही रहेंगे। अगर कॉटन स्पिनिंग मिल्स को या इंडस्ट्री को कॉटन अगर इंटरनेशनल भाव में मिलेगा तो स्पिनिंग मिल सर्वाइव करेगा, मगर कॉटन के भाव अगर इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा रहेंगे तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। तो अगर फार्मर को इवन एमएसपी के प्राइस भी मिलेंगे तो फार्मर मुझे लगता है कि हैप्पी रहेगा, मगर इस साल 10-15% 20% तक नॉर्थ इंडिया में एमएसपी से प्राइस कम हो गए और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में भी 5-10% कॉटन के कपास के प्राइस अभी एमएसपी से नीचे चल रहे हैं।
और फार्मर इतना डिप्रेस हो गया है कि वो कॉटन रखने के मूड में भी नहीं है, इसलिए बहुत स्पीड से अराइवल आ रही है और जो भी माल उनके घर में है या मंडी फार्म से निकलता है वो बेचने के लिए एकदम आतुर है और पर डे अराइवल 2 लाख बेल्स का अराइवल आ रहा है, जो लास्ट ईयर हमने अराइवल 1 लाख बेल्स के ऊपर नहीं देखा था वो अभी 2 लाख बेल आ रहा है, वो दिखाता है कि फार्मर कॉटन पकड़ने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहीं सीसीआई परचेज बंद कर देवे कुछ कर देवे तो कपास के प्राइस जो ऑलरेडी एमएसपी के नीचे है वो और भी नीचे हो जाएंगे, तो वो समझ के घबराहट से फार्मर कपास बेच रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च तक सीजन खत्म हो जाएगा और पूरा अराइवल 90% अराइवल कपास का आ जाएगा, ऐसा चित्र बना हुआ है दीपाली जी। तो भाव को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है तुलजी, फिर मान के चले यहाँ से भाव और नीचे आ सकते हैं फिर थोड़े बहुत एटलीस्ट? नहीं, अभी जो हमारे रेट है वो आइस के फ्यूचर से कंपेयर करेंगे तो हमारे प्राइस बहुत रीजनेबल है और एक पैरिटी जो है वो एक्सपोर्ट के लिए और एमएनसीज वगैरह के लिए स्टॉक करने के लिए बहुत अच्छा पैरिटी बन गया है, तो ऐसा लगता है कि 55,000 का प्राइस अभी कम होने का उम्मीद नहीं है क्योंकि इससे कम रेट जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा आगे जाके जब अराइवल का प्रेशर कम होगा तो इसमें भाव बढ़ने की उम्मीद है दीपाली जी। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर हम अब बजट एक्सपेक्टेशंस की बात करें, आपने सारे पैरामीटर्स पर अपने व्यूज दिए, हमने रिसेंटली इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स हमने ट्रेड बॉडी की तरफ से आते हुए देखे हैं 15 ईयर के लो पे इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन डिप हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम पिछले 6 महीने 8 महीने का ट्रेंड देखें तो हमने कॉन्स्टेंटली इंडिया के जो कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं वो सफर होते हुए देखे हैं लोअर यील्ड्स की वजह से, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की वजह से, एस्केलेटिंग प्राइसेस की वजह से। अब अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बजट में, किस तरीके का सपोर्ट आप देख रहे हैं कि आना चाहिए सरकार की तरफ से? जी दीपाली जी, आज ही हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 डायरेक्टर सबने एक मत सहमत होके फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को लेटर लिखा है और वो दो मांग हमने मेन रखी है, एक है कि जो इंडिया का कॉटन का यील्ड है वो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट यील्ड हो गया है जो विच इज अराउंड 400 kg, जो एक टाइम पे 555 kg हमारा यील्ड था, तो उसके लिए यील्ड बढ़ाने के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले बजट में टेक्नोलॉजी मिशन के लिए बड़ा अमाउंट का एक फंड एलोकेशन करें जिससे एक नई सीड की टेक्नोलॉजी आवे और जो हमारा प्रोडक्शन इतना कम हो गया, यील्ड इतना कम हो गया है वो बड़े, जिससे इंडस्ट्री को फायदा होए और फार्मर जो इतना डिप्रेस हो चुका है कि उसको कॉटन लगाने में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई सीड आएगी और उसकी यील्ड बढ़ेगी तो फार्मर भी थोड़ा वापस कॉटन की तरफ आएगा, नहीं तो कॉटन की तरफ से चले जाएगा, तो हमने एक ये मांग रखी है कि इसके लिए फंड एलोकेशन किया जाए। दूसरा हमारी जो मेन मांग है वो है कि जो 11% कॉटन पे ड्यूटी लगाई गई है वो लास्ट जब से कोविड आया था और सीसीआई के पास 1.5 करोड़ बेल्स जमा हो गई थी तो कॉटन की इंपोर्ट पे 11% ड्यूटी लगा दी कि सीसीआई को लॉस कम हो गए और इंपोर्ट कम हो गए, मगर अब वो सिचुएशन नहीं रही है, हमारा जो 2013-14 में कॉटन का प्रोडक्शन था 405 लाख बेल्स, आज वो कम होके 295 लाख बेल्स का रह गया है, तो और उसके सामने स्पिनिंग मिल का कंजम्पशन जो 300 लाख बेल्स था वो 380 लाख बेल्स हो चुका है, तो कॉटन कंजम्पशन करने को मिल को 100% चलाने के लिए कॉटन की जरूरत है, हमारे यहाँ इतना कॉटन नहीं है तो इम्पोर्ट करना चाहिए मिल को, अगर 100% कैपेसिटी पे चलाना है तो इंपोर्ट करने के लिए परमिशन देनी चाहिए और ये 11% इंपोर्ट की ड्यूटी चलते मिले इंपोर्ट नहीं कर पाती है तो इंडस्ट्री चल नहीं रही है, अभी जब अराइवल है 2-4 महीना कॉटन मिलता है तब इंडस्ट्री फुल स्विंग पे चल रही है, मगर आने वाले महीने में अगर कॉटन कम होगा, अराइवल खत्म हो जाएगी, जो लग रहा है कि मार्च तक 90% अराइवल खत्म हो जाएगी, उसके पास अगर स्पिनिंग मिल्स को माल लेना है तो सीसीआई या कोई स्टॉकिस्ट है उसके पास लेना पड़ेगा, तो इंपोर्ट का पॉसिबल नहीं है क्योंकि 11% ड्यूटी है, तो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अभी इतना स्टॉक भी नहीं है
फार्मर ने भी 60-70% माल 60% बेच चुके हैं, तो अगर आने वाले बजट में इमीडिएट नहीं तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीना तक भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी में रिलीफ देंगे तो इंडस्ट्री को अच्छा होगा, तो वो भी हमने एक डिमांड रखा है मनीष दीपाली जी। ओके तो एलोकेशन, बजट एलोकेशन बढ़े इंडस्ट्री के लिए, प्लस इंपोर्ट पॉलिसीज को थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो अगर मिले, 100% कैपेसिटी पर चले तो उसके लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट जरूरी होगा। इनफैक्ट लिस्ट तो लंबी है, बाकी भी हमने कॉरपोरेट से भी बातचीत की इस सेक्टर के, लेकिन हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि अभी अतुल जी ने मेंशन किए कि एटलीस्ट इनको तो देखने सरकार को चाहिए अगर इस इंडस्ट्री पर गौर करें तो। लेकिन चलिए शुक्रिया अतुल जी, क्विकली कॉटन पर आउटलुक भी आपने शेयर किया और बजट एक्सपेक्टेशंस भी हमें बताई, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, उनसे उनकी स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं। पहले चलते हैं प्रियंक के पास और साथ ही मनोज कुमार जैन भी है, पहले एक बार कॉटन पे एक व्यू ले लेते हैं मनोज जी का, उसके बाद प्रियंक की ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। मनोज जी बताइए पहले तो कॉटन पर आपका प्राइस आउटलुक क्या है यहाँ से? दीपाली जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से अतुल जी बता रहे थे एक दायरे का ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है काफी लंबे समय से, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में बल्कि भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि एक दायरे में जो है कीमतें बनी हुई है। तो यहाँ हमारा मानना है कि जब तक जो बड़ी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट से इमर्ज नहीं होती तब तक ये दायरा बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म में कीमतें जो MCX मार्च कॉटन वायदा है वो 56,000 से 58,500 ये एक दायरा रह सकता है। तो अभी कोई बड़ी जो है गिरावट और तेजी की गुंजाइश यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, तो एक दायरे में जो है ट्रेड कर सकते हैं 56,000 नीचे में और 58,500 ऊपर में, एक रेंज यहाँ पे बनी रहेगी। ओके प्रियंका, आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? गुड इवनिंग, आज हमारे पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसका एक प्रीमियम दिख रहा है और प्राइसेस अभी 75 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 63.30-63.50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से वहां पे बाई किया जा सकता है। 6200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 6550 टारगेट्स रहेंगे। दूसरे पिक हमारी बेस मेटल से रहेगी कॉपर में रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा पुल बैक दिखा है और ये पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ दिखता है टुवर्ड्स 740-745 जोन्स, तो यहाँ पे अगर करेक्शन मिलता है मे बी अराउंड 728-725 जोन्स वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 720 का स्टॉप लॉस रहेगा, 735 टारगेट्स रहेंगे। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नॉन एग्री कमोडिटी पैक से, साथ ही कॉटन पर आपको व्यू मिला मनोज जी की तरफ से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बात करेंगे हम ग्वार पैक की, साथ ही स्पाइसेस के पैक को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बजट से एक्सपेक्टेशंस कमोडिटी सेक्टर और बात करेंगे स्पाइसेस की और ग्वार पैक की। पहले तो प्राइसेस की बात करें तो एक साल में हल्दी का भाव करीब 100% चढ़ चुका है, तो मसालों में सबका होश उड़ाने वाला जीरा एक साल में 18% तक गिर चुका है। वहीं ग्वार पैक में अभी दबाव के साथ ही कारोबार है, क्या है कारण, सेक्टर की क्या है बजट से एक्सपेक्टेशंस, इस पर बातचीत करने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये स्पाइसेस के पैक में हो क्या रहा है, आप कैसे रीड करते हैं? हमने ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से, ज्यादा एकरेज बढ़ने की वजह से जीरे में लगातार प्राइसेस गिरते हुए देखे। टर्मरिक में हमने थोड़ी सी स्लो बाइंग एक्टिविटीज के एंटिसिपेशन में रिसेंटली 2 सेशंस में पिछले डिक्लाइन आते हुए देखा, लेकिन ऑलरेडी प्राइसेस स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। और अगर कोरिएंडर को देखें तो पिछले एक साल में जहां से वो चला था वापस वहीं आकर खड़ा है, कैसे देखना है फिलहाल पूरे स्पाइसेस के पैक को? दीपाली जी इसको दो तरह से समझना होगा वायदा बाजार को। पहला ये कि इसके कम वॉल्यूम में 3-4% फसल को वायदा बाजार में डालकर पूरे साल इसके भाव मेंटेन रखे जा सकते हैं, ये स्थिति हम लोगों ने अभी पूरे साल भर इसको देखा है। जहां तक जीरे की बात है, फसल शॉर्ट थी इस बात से बाजार बढ़ा, पर जितनी शॉर्ट मान रही थी उतनी शॉर्ट नहीं रही थी, इसने डिमांड की पूर्ति की, तो जो 22,000-23,000 रुपए से जीरा चला और 67,000 रुपए तक पहुंच गया वो वापस नीचे जमीन की तरफ आ गया, यानी पूरे के पूरे पैसे उसके अंदर घट गए। और आगे जिस तरह की बिजाई है जीरा के अंदर या जिस तरह की फसल
अभी खड़ी है, किसी तरह का नुकसान नहीं है, उससे लगता है कि अभी तेजी की कोई संभावना नहीं है। दूसरे मार्केट भी जो है हल्दी, आप हल्दी में देखिए या 18-19 हजार हुई थी, वापस 13 हजार हो गई, 13 हजार से 16 और 16 से 14, ये सारा गेम हाजिर बाजार से फिजिकल से इसका कोई संबंध नहीं रह गया है। ये सिर्फ वायदा और सट्टे की प्रवृत्ति की वजह से इसके अंदर जो रोजाना गड़बड़ आ रही है वो आ रही है। इसमें खपत का या डिमांड का या सप्लाई का संतुलन नहीं है। अब ये मान के चले कि वायदा बाजार में पूरा का पूरा गेम है वो चंद लोगों के हाथ में रह गया है। कम वॉल्यूम होने की वजह से थोड़े माल से पूरे बाजार को मेंटेन किया जा सकता है। दीपाली जी, तो यहां से आगे अब कैसी स्थिति दिख रही है, तो आपने फिलहाल क्या चल रहा है वो समझाया, लेकिन अगर हम यहां से आगे का आउटलुक समझना चाहें तीनों ही स्पाइसेस का, तो कहां आपका व्यू पॉजिटिव है, कहां आपका व्यू बेरिश है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई विपदा प्राकृतिक विपदा नहीं आई तो जीरे के भाव निश्चित रूप से घटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हल्दी के अंदर यदि डिमांड लगातार कायम रही फॉरेन की और यहाँ फार्मास्यूटिकल की यदि डिमांड कायम रही तो निश्चित रूप से हल्दी के भाव बढ़ेंगे, पर इसमें भी जहां व्यापार करना हो बचते हुए व्यापार करना होगा। धनिया के अंदर किसी प्रकार की तेजी मंदी दिखाई नहीं देती है। मैंने ये 8 महीने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि धनिया में बड़ी तेजी मंदी नहीं है, ये साल भर यही ट्रेड करेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मामला बराबर है। ये जो 400-500 रुपए की इसके अंदर गड़बड़ आ रही है वो वही जो मैंने पहले बात कही थी, ये सट्टेबाजी की गड़बड़ है दीपाली। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या बजट से इस सेगमेंट के लिए, फिर चाहे वो बेटर सप्लाई चेन करना हो, बेटर इंफ्रा करना हो या जो भी? देखिए बजट से उम्मीदें तो बहुत है दीपाली जी, पर देखते हैं क्या कहां पूर्ति होती है। देखिए, बजट में हमें सबसे पहले जो हमारी डिमांड होगी वो ऐसी फसलें जो 90% विदेशी मुद्रा लेकर आती है, उनकी इंडस्ट्री किसी कारण से जो बंद हो रही है तो उसको सरकार मदद देने का प्रावधान रखे और उस इंडस्ट्री को चालू करवाए। दूसरी बात, ऐसी इंडस्ट्री जिनमें दो नाम मैं ले सकता हूँ, ग्वार गम है या कैस्टर ऑयल है, पूरा पूरा निर्यात होता है, और इसबगुल और जीरा, ये भी निर्यात की बड़ी वस्तु है, तो इन वस्तुओं के अंदर जब भी कोई विचलन आता है, या जैसे ये लाल सागर वाली घटना हो गई, इससे कंटेनर रुकने लगे या किराए बढ़ गए, तो ऐसे समय में सरकार को आगे बढ़कर इसे मदद देने की जरूरत है। और यदि इनको मदद नहीं दी जाएगी तो ये बाजार धीरे 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 जो गर्त की ओर जा रहा है वायदा बाजार एग्री का, तो वो फिर और गर्त की ओर चला जाएगा। तो इंडस्ट्री को भी बचाने की जरूरत है जो बंद हो रही है, और किसान को भी बचाने की जरूरत है कि उसको वाजिब पैसे मिलते रहे। तो इसके लिए यदि सरकार ये प्रावधान रखे कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी कोई योजना रखे, कार्यशाला रखे और अपनी बात को रख के निर्यात को बढ़ावा दे दीपाली जी। ओके, चलिए क्विकली ग्वार पैक पर भी राय ले लेते हैं पुखराज जी की। ग्वार पैक को लेकर क्या आउटलुक है फिलहाल? यहाँ भी हमने पिछले एक साल में कुछ खास होते हुए नहीं देखा है, अगर हम प्राइस वाइज देखें तो। दीपाली जी, ग्वार में तो बहुत खास हो गया, जिस तरह की फसल थी, 50 लाख बोरी फसल की उम्मीद थी और 50 लाख के आसपास ही फसल है, उसके अंदर भाव बढ़ने चाहिए थे, बढ़ने की जगह घटे हैं फसल। मैंने 50 किसानों से बात की है, सैकड़ों लोगों से बात की है, भाव क्यों घटे और क्यों घट रहे हैं आज तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपकी डिमांड ठीक चल रही है 30,000 टन मंथली की और आपकी सप्लाई वैसी है जो 50 लाख बैग की अराइवल मानते थे या उपज मानते थे, तो दोनों चीजें सही होने के बावजूद इसके भाव घटे हैं। तो इसमें तो सबसे पहले मैंने बात कही थी कि 4-5% माल वायदा के अंदर लगा के पूरे साल इनके भाव को किया जा सकता है। अब जरूरत तो इस बात की है कि इससे पीछा कैसे छूटे। आज लोगों के अंदर ग्वार ट्रेड में बहुत आक्रोश है। यदि जमीन पे धरातल पर बात करें तो हर किसान में, हर व्यापारी में इस बात का आक्रोश है कि ये कहां से चल रहा है और कैसे हो रहा है दीपाली जी। तो हम ये मानते हैं कि ग्वार के भाव जो भी घटते हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रा घट रहे हैं, इसका फसल के साथ में और डिमांड के साथ में कोई लेना देना नहीं है दीपाली जी। और फिर आगे का आउटलुक क्या नजर आ रहा है आपको पुखराज जी, अगर इस पूरे ही पैक की बात करें, ऐसी रेंज बाउंड ही रहेंगे आगे भाव फिर फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? जी, यदि सेबी ने, एक्सचेंज ने या सरकार ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया
या किसी तरह की जांच नहीं की तो वही धूल ढाक के लोग बात है, फिर वही होगा, फिर केजरीवाल यही कहेंगे न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये स्थिति बनी रहेगी। अगर सेबी एक्सचेंज इस पे डिसीजन लेती है, इसकी जांच करे कि इसकी वजह क्या है, कहीं वेयरहाउसों में घटिया माल तो नहीं पड़ा है, तभी इसका निस्तारा हो पाएगा, वरना तो इसका निस्तारा बहुत मुश्किल है। मैं आज कह दूं कि बाजार मुझे तेज लगता है फसल को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, मगर दूसरे दिन मंदी आ जाती है तो मुझे सर नीचा करके बैठना पड़ता है, मैं क्या जवाब दूं। और ये कह दूं कि बाजार तेज होगा तो स्थितियां बोर्ड के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। दीपाली जी, तो बड़ी समस्या है ये जी। तो यानी ऑन ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे जो फंडामेंटल्स हैं वो खराब नहीं है ग्वार पैक के, लेकिन जो प्राइसेस अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद भी घटे हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं फंडामेंटल्स को, ना तो प्राइसेस जस्टिफाई कर रहे हैं और ना ही फंड, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शुक्रिया पुखराज जी, आप शो में आए और आपने आउटलुक भी दिया, बताया भी कि क्या हो रहा है स्पाइसेस में या फिर ग्वार में और क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी, और प्रियंका आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।